हाँ तो गाइस सीधी बात, नो बकवास, शाबाश। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो भाई साहब यहाँ पर आप दो चीजें देख सकते हो मेरे हाथ में। देखिए ये रहा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर जो कि आई थिंक 6 वोल्ट का है, और भाई ये रहा एक 130 नंबर डीसी मोटर जो कि 24 का डीसी मोटर है। बहुत इजी मिल जाता है 10-15 रुपए लोकल मार्केट में। आप कहें कि बच्चों को लूट लेते हैं 20 रुपए की, मैंने सुना है, मुझे तो खैर 10 रुपए का मिलता है, और वैसे डेली में ये सिर्फ 4 रुपए का मिलता है, कहीं 3 रुपए का भी। तो खैर गाइस ये वाला टॉपिक नहीं है। गाइस आपने कभी महसूस किया होगा, देखिए जब आप इसे लंबे समय तक चलाते हो ये फ्यूज होता है, फूक जाता है, धुएं या में से निकल जाते हैं, तो इसे काफी हीट हो जाता है और भाई साहब इसे हवा से इसे नहीं मिल पाती। तो गाइस आज इस वीडियो में हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। गाइस आज तक आपने नहीं देखा होगा, मैं दावे से कर सकता हूं। गाइस ये जो मोटर है छोटा सा, ये ट्रांसफार्मर के अंदर फिट होने वाला है। ट्रांसफार्मर प्लस मोटर दोनों कंबाइन होने वाले हैं। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, बिल्कुल नया जुगाड़ होगा। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिए, स्किप कर दिया, अरे स्किप नहीं करना चाहिए था। चलो गाइस चलते हैं फटाफट टॉपिक पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस सबसे पहले इसे चला के देखते हैं मोटर को कैसा चल रहा है। ठीक है, लेकिन भाई ज्यादा हाई स्पीड नहीं है, यानी कि ज्यादा हाई टॉक भी नहीं है। एक बार खोल के देख लेते हैं इसे कि भाई हल्का वाला तो नहीं लग रहा इसमें आर्मेचर। ओ माय गॉड, ये तो भाई बिल्कुल लुल वाला है। तो भाई मैं दूसरे मोटर का आर्मेचर यूज करूंगा। दे भाई ये है भाई मस्त, हैवी, बेहतरीन। और भाई इसे देखो, मतलब यार क्या है यार, मतलब लो क्वालिटी लो से लो क्वालिटी करते यार। इसका टॉक गाइस काफी कम होता है, इसका टॉक भी काफी अच्छा होता है, और भाई ये लंबा भी चलता है इसके मुकाबले। तो भाई इस आर्मेचर को लेंगे, खाली मैं इस आर्मेचर को लूंगा, मोटर को मैं हटा दूंगा। अब भाई हम इसकी शाफ्ट ने वाली ये गाइस शाफ्ट खींचकर बाहर निकालनी है। भाई ऐसे तो निकालना गाइस इसको काफी मुश्किल है, और अगर जबरदस्ती निकालेंगे तो गाइस यहाँ से वायर टूट जाएगा। तो गाइस सीधा तोड़ लेते हैं इसके, सीधा गाइस यहाँ से वायरिंग बाद में दूसरी कर लेंगे अच्छे से कॉपर की भड़िया सी, इससे गाइस और हाई टॉक इसका हो जाए। देखो भाई ये कम्यूटेटर इसका जो कि गाइस आसानी से निकल गया है। पहले गाइस हम वायर निकाल लें। ये भाई काफी प्यार से मोहब्बत से निकल जाता है। देखो ऐसी सारी वायरिंग इसकी हटा दो, एक तो खत्म। ये रहा भाई साहब लोंडा बिल्कुल नंगा हो चुका है। वैसे ये रहा इसका वायर, देख लेते हैं। वैसे मुझे एल्युमिनियम लग रहा है फिर भी, क्योंकि इतने सस्ते में तो नहीं मिलेगा। देखो भाई साहब ये एल्युमिनियम ही है, पता नहीं शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कैमरे पर, मगर इसकी चमक देख सकते हो जो कि लगभग सिल्वर कलर की है। ये निकला है 3.75 का एल्युमिनियम, तो उससे मेरा क्या फायदा, और हम इसे फेंक देंगे। तो गाइस हम लेंगे यहाँ पे 30 गेज का वायर, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, काफी मोटा वायर है, और मेरे पास ये 32 का भी है। तो आप चाहे 32 का लगा सकते हो, 14 पे 30 का लगा सकते हो। 30 में गाइस ये हाई टॉक हो जाएगा, काफी हाई अर्थ में जाएगा, लेकिन करंट ज्यादा खाएगा। ठीक है, तो गाइस मैं थोड़ा मोटर वायर लूंगा, इससे ज्यादा मोटा मत लें, 28 का भी नहीं चलेगा, 30 लास्ट। अब गाइस इन्हें निकाल लेते हैं। यार कितनी मुश्किल से निकल लिया बॉस, बताओ है ये अभी ना निकल रहा था भाई, पहले कैसे निकलता। ये ऐसे निकलेगा, देखो बस हो गया। तो भाई ये रिश्क की शाफ्ट, और भाई काफी मस्त निकला है। एक बार गाइस मैंने इनके रिंग भी बनाया था एक गाड़ी का, काफी मजा आया था। अब भाई ये वाली जो शाफ्ट है इसमें ये थोड़े से टाइट, बल्कि थोड़े नहीं बहुत ज्यादा टाइट आ रहे हैं, ये देखो बड़े मुश्किल से आते हैं। ठीक है, भाई साहब इस शाफ्ट को नहीं लेना, और गाइस वैसे भी शाफ्ट काफी छोटी है। तो भाई मैं लूंगा ये जो अम्ब्रेल होता है, छाता, छाते में आपको पता गाइस पोक लगी रहती है, तो भाई इसमें थोड़ी सी लूज आती है। अबे यार उठता जा पहले, मतलब इतनी लूज नहीं आती। ठीक है, देखो ये तो गाइस ये बिल्कुल फिट फॉर आती है, तो भाई हम इसी को लेंगे। और भाई ये रहा इसका कम्यूटेटर। अब गाइस ये वाला मटेरियल आपने देख लिया, अभी इसे रखते हैं भाई साहब साइड में, और भाई साहब यहाँ लेकर आते हैं ये ट्रांसफार्मर। तो भैया फटाफट इसको भी निकालते हैं। वैसे गाइस ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके ओके, अगर आपके पास खराब हो कोई पुराना ट्रांसफार्मर बेकार, आप उसका यूज करिए, क्योंकि भाई साहब मैं इसे बेकार करने वाला हूँ। ये बीच की कोयल है, ये इसकी बिल्कुल निकल जाएगी। तो गाइस मैं निकाल लेता हूँ। तो ये गाइस मैंने इसकी कोयल बचा ली है, और कोयल खराब नहीं हुई है, देखिए बढ़िया, और इसका एक सिंगल तार भी नहीं टूटा है। तो गाइस इस कोयल में खैर जरूरत है नहीं, फिर भी इसे रख देंगे, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। तो गाइस ये रहा सारा का सारा माल मटेरियल। तो भैया इसे हटाते हैं फिलहाल अभी साइड में, और भाई साहब अभी इस मोटर की पहले वाइंडिंग करते हैं। मैंने काफी बार, एक मिनट, थोड़ा प्रोफेशनल सा लगता है ना, मैंने गाइस काफी बार अपनी वीडियो बता दिया भैया हटा, प्रोफेशनल क्या तेल लेने। तो गाइस मैंने काफी बार अपनी वीडियो बता दिया है कि भाई मोटर की वाइडिंग कैसे होती है, किस तरह से भाई इसकी स्पीड बढ़ती है, कैसे स्पीड बढ़ती है, कैसे कैसे इसकी वाइडिंग की जाती है, सब चीजें गाइस मैंने अपनी पहले वीडियो बता दी है। तो गाइस अब आप म्यूजिक में देखोगे, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करते हैं, पीछे की चीजें बार-बार धोने से मजा नहीं आता। जिसको नहीं आता वो देख सकता है, मैं बहुत फास्ट करूंगा, जिसने देखा है वो भी देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंजॉय करो म्यूजिक को, म्यूजिक। तो भाई साहब आम मिक्सचर तैयार। और भाई एक मैंने 30 यानी कि 30 टन दिए हैं, ठीक है, एक पॉल में 30 टन दिए हैं। भाई ये रहा आम मिक्सचर जो गाइस हो चुका है कंप्लीट। ये भाई मैंने कॉपर का वायर लगाया, ये काफी मजबूत काफी लंबा चलेगा। तो भाई अब आते हैं इन पर। तो भाई साहब ये जो ई है आपको लग रहा है, तो भैया हमें करना क्या है, हमें इसके वाला पार्ट उड़ा देना है, बिल्कुल काट देना जितने भी गाइस। तो भाई इन सारे ट्रांसफार्म में ई कोर को निकाल लेंगे, लगती भी ई है और कहते भी ना ई कोर ही है, तो सारे निकाल लेंगे जितने भी है। और यार काफी सारी भाई काटनी पड़ेंगे, यार काफी मेहनत होगी भाई, दिख रहा है। इनकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस इन्हें कट करना काफी इजी है, अगर एंगल ग्राइंडर से नहीं कटेंगे तो गाइस जो चीजें होती छेनी उससे एक एक चोट में आराम से कट जाएगी। तो देखते भाई हम कैसा काटा है। तो लीजिए गाइस ये ई से यू बन चुका है। नए अवतार में नए लुक में काफी पहले से बेहतर लग रहे हैं। चलो तो भाई साहब फटाफट इसे आपस में चिपकाते हैं। और गाइस चिपकाने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए ये ऐसे चिपकेंगे एक के ऊपर एक, और आप एक बार ऐसे रख के चेक कर ले बीच में, ठीक है। थोड़ा सा गैप भी दे दे क्योंकि गाइस अभी बीच में मैग्नेट भी आएगी। एक काम करते हैं मैग्नेट में निकाल लेता हूँ पहले मोटर में से। तो भाई इन दोनों मैग्नेट को मैं निकाल लेता हूँ पहले। दोनों मैग्नेट निकाल लिए हैं और हमें थोड़ा सा क्लियर अंदाज हो जाएगा कि भाई कितना इन दोनों बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह लगा लो, इससे थोड़ा सा लूज रखें, ज्यादा लूज नहीं रखना वरना इस मोटर हमारा काम नहीं करेगा अच्छे से। ये रहा बस इतना बहुत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चले तो भाई सपोज करो इतना चिपकेगा। तो भाई चिपकाने से पहले मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ऊपर नीचे से बिल्कुल इक्वल लेकर चले, ठीक है। ऐसे करो आपस में और भाई यहाँ पे लगा दो स्टर ग्लू, 90 चिपका दो बस। देखो ऐसे और हल्की फुल्की दो बूंद जिंदगी की दही लगा दो जिससे भाई ये निकले ना। तो गाइस इसी तरीके से बाकी जितने भी कोर है मैं चिपकाता चला जाऊंगा। काफी मस्त तरीके से गाइस ये चिपक चुका है और थोड़ा सा भारी लग रहा है। सिंपल सी बात है गाइस, ये जो कोर होती है थोड़ी सी हैवी होती है। स्टोर लगा लो भाई जिससे भागे ना निकल गए, मुझे छोड़ दो, ऐसे नहीं करनी चाहिए बस। अब गाइस ये आई, वाओ, ये भाई इसके अंदर आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते गाइस, आपको बात है। ये ऐसे इसके अंदर चली जाएगी वैसे, इससे गाइस और भारी हो जाएगा। तो भाई इस मारे में इसे डाल नहीं रहा हूँ वरना गाइस इससे और ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो भाई ये काफी मजबूत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हैवी टाइप का, मतलब एक तरह गाइस ये मोटर की बॉडी बन रही है। तो भाई अब हमें करना क्या है, अब गाइस हमें एक तो यहाँ होल करना है बिल्कुल बीच में, इस तरह होल यहाँ करना है, और भाई एक होल इसके अपोजिट यहाँ करना है बिल्कुल बीच में। वैसे ये मारा प्यार से ऐसे अंदाज से कर लो, कोई दिक्कत ना, अगर ऐसे भी करोगे ना ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक और ये रहा इधर मारना बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा हल्का फुल्का बजाए कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसा ऐसा तो इसमें होगा नहीं, हमें ऐसे थोड़ा दबा के यानी कि इसे बेंच वाइज के अंदर टाइट करके तब होल करना पड़ेगा वरना गाइस ये खुल जाएंगी। तो भाई साहब इसमें कर दिया होल और भाई ये जो शाफ्ट है देखिए बिल्कुल पार निकल जाएगी। और भाई देखिए मस्त, चलो ये बड़े हो गए। अब भाई साहब इसमें फिट करते हैं आम मिक्सचर। तो भाई सबसे पहले शाफ्ट पर ये जो वाल है या वाशन है ये ब्रास होते हैं पीतल के, इन्हें लगाएंगे जिससे गाइस ये ऊपर नीचे ना निकले, यानी कि हमारी जो शाफ्ट है ऊपर नीचे ना निकले। देखो भाई ये ऐसे लग जाएगी आराम से, ठीक है, और ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी। खैर सब एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसमें लगा लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो खैर आएगी ऐसी बात। और भाई जो हमारा आम मिक्सचर है उसको भी ऐसी लगा लेते हैं। लगा दिया भैया, ठीक है, आम मिक्सचर भी लग गया। और भाई साहब दूसरा वाला जो इसे भी लगाएंगे, ये लग गया दूसरा वाला। लो भाई साहब ये हो गया, ठीक है। अब गाइस ये आपको बात है भाई, आप इस शाफ्ट को कितना लंबा रखो, कितना छोटा कितना लंबा रखो। ओ भाई अब हम यहाँ से शाफ्ट कट करेंगे, जितने गाइस आप चाहो उतनी लंबी शाफ्ट रख सकते हो। ऊपर की साइड पे ऐसे लगा लो गाइस, जस्ट चिल, वैसे भी डोंट डू जस्ट चिल। एक बार घुमा के देख लेते हैं, हाँ ठीक है। और वैसा ये रही इसकी मैग्नेट, मैग्नेट भी लगाते हैं फटाफट। मैग्नेट लगाए तो बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल, मैग्नेट से टकरा नहीं चाहिए, ध्यान रखें बस। तो लीजिए गाइस हमने यहाँ पर ग्लू गन से चिपकाई है मैग्नेट, क्यों गाइस यहाँ पर स्टर ग्लू अच्छे से काम नहीं कर रही थी। अभी तो गाइस काम ठीक कर रहा है, मैंने इसकी टेस्टिंग नहीं की है। अब भाई साहब यहाँ पर इसके कनेक्शन भी लगाते हैं जो गाइस इसे पावर देंगे। तो भाई इसे निकाल लेंगे, आप तो अलग से बना सकते हैं लेकिन ये है तो क्या जरूरत है। और भाई ये आराम से यहाँ लग भी जाएगा इस तरीके से, आपके सामने गाइस बिल्कुल न्यूड मोटर देखो ऐसे लग जाएगा प्यार से, लगा मस्त, यहीं पर आप टाँके लगा सकते। खैर मैं इसे फटाफट पहले अच्छे से फिट कर देता हूँ। अब भाई ये जो पिन है ना बाहर नहीं निकलेंगे, चलो इसे भाई लगाते हैं। ओपन में तो वैसे भी बहुत आसानी से लग जाता है, देखिए लग गया बस। अब इसे गाइस हमें चिपकाना है बस, तो लीजिए गाइस हमारा ट्रांसफार्मर मोटर कंप्लीट हो चुका है। वाओ ये क्या है ये भाई ये काफी भारी मोटर है और भाई इसे हवा लगती रही गाइस, ये बिल्कुल ओपन है तो गाइस जल्दी से खराब नहीं होगा। तो चलो गाइस अब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई टेस्टिंग के लिए यानी कि इसे पावर देने के लिए मोटर को मैं इसलिए तमाम बैटरी यूज करूंगा। तो भाई मैंने बीच में एक स्विच लगा दिया है, अब ये स्विच ऑफ है। तो भाई डायरेक्ट करते हैं कनेक्शन और ये काफी यूनिक डिजाइन का एक मोटर लग रहा है जो बात है। अब यार हमारा सोल्डर हमारा तो आयरन बेचारा बुड्ढा हो गया। चलो भाई स्विच को ऑन करता हूँ। नहीं मैं नहीं मानता। देखो भाई ठीक है और देखिए गाइस मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्पार्किंग होगी तो गाइस आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। देखिए बढ़िया बेहतरीन मस्त। और गाइस मुझे हवा आ रही है बाहर कितना, चलाओ बढ़िया मस्त। गाइस एक काम करता हूँ ऐसे तो आपको इसकी जो शाफ्ट है वो दिखाई नहीं देगी घूमती हुई, इसे लगाते हैं टेप। ओ भाई देखो स्पीड देखो गाइस। ओ भाई स्पीड काफी अच्छी है और उसका टॉर्क भी काफी अच्छा है। एक बार गाइस हम प्रोपेलर लगा के देख लें जिससे हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सके इस मोटर की। भाई ये फैन के लिए यूज हो सकता है नहीं हो सकता। भाई ये एक प्रोपेलर तो भाई इसे लगा के देखते हैं शाफ्ट पर, पहले अच्छे से टाइट कराएंगे पड़ेगा। ये काफी टाइट है जो बात है, आई थिंक ये नहीं जाएगी निकल कर। भाई प्ले करते हैं। ओ भाई बढ़िया बेहतरीन बढ़िया। भाई थोड़े से पैसे वैसे उड़ा के देख लें क्योंकि आप जानते हो हम गरीब हैं, नकली नोट तो उड़ा ही सकते हैं, ये बने हमारे लिए। भाई भाई ऐसा ना कटेगा ऐसा ना कटेगा। वैसे कहीं जो मैंने इसमें प्रॉपर लगाई है इसका एक थ्रो ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखो भाई बढ़िया बस बेहतरीन। चलो भाई और हवा हवा आ रही है बहुत मस्त। थोड़ा सा गाइस लाइट बंद करके चेक कर लेते हैं इसकी स्पार्किंग, देखना मजा आएगा। काफी मस्त लग रहा है गाइस, ट्यूबलाइट चलता हुआ या कहीं पे चिंगारी उठ रही हो। वैसे गाइस आपको क्लियर बताऊं इतनी हाई स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, अब होती भी नहीं है। अब गाइस क्योंकि हमने उसका आर्मेचर पर थोड़ा सा वायर निकाला, थोड़े से मोटे वायर से कर दिया तो ये थोड़े से ज्यादा करंट ले रहा है, एम्पीयर ज्यादा ले रहा है। तो इसमें गाइस आपको दिख रहा है भाई ज्यादा स्पार्किंग कर रहा है। कुछ देर बाद जल्दी से इसके ब्रश घिस जाएंगे तो गाइस आपको चेंज करने पड़ेंगे। खैर सोचा गाइस बता दूं। तो भाई आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा। भाई मतलब मोटर है ट्रांसफार्मर में गाइस क्या है पता नहीं चलती भाई, तो काफी मस्त चीज है। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस जो बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। हो गया।